देखिए अजमेर के लिए गुरुवार से लगातार कोरोना महामारी के दौर में बुरी खबरें लगातार आ रही हैं। गुरुवार से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या आने की शुरुआत हो चुकी है और उसके बाद दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। अब लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या आ रही है, लेकिन इसमें एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार आ रही है, ये तमाम खानाबदोश लोग हैं, एक ही जगह पर रहने वाले लोग हैं और एक ही व्यक्ति से इनके अंदर कोरोना वायरस का संक्रमण फैला है। शनिवार की सुबह जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के अंदर भी दो खानाबदोश लोगों के अंदर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, यानी कि अब दो खानाबदोश और कोरोना के मरीज हो गए हैं। उनको लेकर तमाम तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जो जिला प्रशासन है उन्होंने अब जितनी भी अभी तक की उनकी खामियां थी, क्योंकि जैसे ही खानाबदोश लोगों के अंदर कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आना शुरू हुई उसके बाद से प्रशासन पे कई तरीके के सवाल उठने लग गए थे। लोगों के अंदर जो आसपास के जो क्षेत्र के लोग थे उनमें बहुत नाराजगी थी प्रशासन को लेकर कि आखिरकार खानाबदोश लोगों को जिनकी किसी प्रकार की जिम्मेदारी तय फिलहाल नहीं हो पा रही है उन लोगों को आखिरकार शहर के रिहायशी इलाकों के बीच में अस्पताल और कॉलेज स्कूल जो है उनके पास में आखिरकार क्यों रखा गया, रेल म्यूजियम के अंदर आखिरकार उनको क्यों रखा गया। हालांकि लगातार शहरवासियों की ये अपील प्रशासन से थी कि इन जो तमाम खानाबदोश लोग हैं इनको शहर से बाहर कहीं पर रखा जाए, शहर से बाहर का कोई इलाका ऐसा चयनित किया जाए, वो इलाके के अंदर इन लोगों को रखा जाए जिससे कि जो शहर के आसपास के जो लोग रिहायशी इलाके हैं वहां पर किसी प्रकार का संक्रमण ना फैले, उनमें किसी प्रकार की दहशत और डर का माहौल ना हो। तो अब लेकिन जब लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या आ रही है, हम देख रहे हैं कि लगातार जो शुक्रवार की सुबह थी तब एक मरीज का आया, उसके बाद 8 मरीजों की संख्या आई है और उसके बाद शनिवार सुबह 2 मरीजों की खानाबदोश है। ये तमाम इनकी जब पॉजिटिव रिपोर्ट आना शुरू हुई है तो प्रशासन ने अब लोगों की जो नाराजगी थी उसको अब जाकर समझा है और उसके बाद अब ये फैसला कर लिया है कि तमाम लोगों को शहर से बाहर भेजा जाएगा, इनके लिए होम शेल्टर तैयार किए जाएंगे। तो इसके लिए प्रशासन ने दौरई में एक जगह को लिया है और उसके साथ में जो भगवंत यूनिवर्सिटी है चाचियावास में उसको भी होम शेल्टर लिया है, उसको भी होम शेल्टर के लिए लिया है, अधिग्रहण उसको अधिग्रहण किया है उसका भी और वहां पर अब इनको शिफ्टिंग करने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। लेकिन एक बड़ी समस्या और बड़ी चिंता की बात यह है कि कल रात को अलवर गेट इलाके से कई ऐसे लोगों के फोन आए हैं कि वहां पर 2-3 खानाबदोश लोग हैं जो होम शेल्टर से भागकर उस तरफ आ गए हैं, लोगों के घरों के बाहर किसी प्रकार की कोई हरकत कर रहे हैं, इसको लेकर लोगों ने थाने में भी फोन किया। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी फिलहाल थाने से हमको इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिली है जिसमें इस बात की पुष्टि हो रही हो कि खानाबदोश लोग थे जिनकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन इतना जरूर होता है कि जो स्थानीय अलवर गेट के जो लोग थे जिन्होंने रात को हमको ये सूचनाएं दी हैं उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा है कि इस तरीके की हलचल उनके इलाके के अंदर हो रही है। तो ये अजमेर के लिए एक बड़ी चिंता की बात है और खानाबदोश लोगों के अंदर जिस तरीके से लगातार कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आ रही है ये एक बड़ी चिंता की बात है। उदयपुर की जो लैब है वहां से अभी और खानाबदोश लोगों की जो दोपहर को और जो शाम को रिपोर्ट आनी है वो रिपोर्ट अलग आनी है। और एक बात और जो हमारे सूत्र हमको जानकारी इस वक्त दे रहे हैं कि खानाबदोश लोगों के अंदर कोरोना को रोकना बहुत चैलेंजिंग काम है और इनकी जो संख्या है वो बढ़ भी सकती है। तो ये एक बड़ी समस्या है और चुनौती है और कई तरीके के सवाल भी खड़े करते हैं प्रशासन लापरवाही के ऊपर कि आखिरकार खानाबदोश लोगों को रिहायशी इलाकों के बीच में क्यों रखा गया था और जब रखा गया था तो आखिरकार क्यों नहीं उनको पूरी तरीके से कैद किया गया था, जैसा लगातार सोशल मीडिया के ऊपर भी चल रहा है और एक रेल के जो अधिकारी हैं उनकी ओर से रेल यूनियन के जो अधिकारी हैं उनका एक बयान आया है, उसमें उन्होंने सख्त नाराजगी भी जताई है इस बात को लेकर कि रेल म्यूजियम की जो एक दीवार है वो टूटी हुई है। उनका आरोप सीधा सीधा प्रशासन पर है कि आखिरकार जब रेल म्यूजियम की दीवार टूटी हुई है तो क्यों नहीं उसको पैक कराया गया और वहां से लगातार जो खानाबदोश लोग हैं उनको भागने का जिक्र भी उनकी ओर से किया गया है। उन्होंने ये बात को बहुत गहराई से आरोप लगाते हुए प्रशासन के ऊपर इस बात को दोहराया है कि ये जो जगह है ये पूरी तरीके से सेफ जगह नहीं है खानाबदोश लोगों को रखने के लिए। और उसके बाद में जब आसपास के लोगों ने अलवर गेट के जो आसपास के लोग हैं उन्होंने जब नाराजगी व्यक्त की थी तो उसके बाद अब प्रशासन ने फैसला किया है कि खानाबदोश लोगों को बाहर किया जाएगा। चिंताएं कई हैं, समस्याएं और इस कोरोना महामारी के दौरान प्रशासन के लिए चुनौतियां सबसे ज्यादा है कि आखिरकार इन चुनौतियों से किस तरीके से निपटा जाए। तो
धीरे धीरे प्रशासन इस बात की कोशिश कर रहा है कि शहर के जो बहुत सारे इलाके हैं जहां पर खानाबदोश लोग इस वक्त हैं, तो जो स्थानीय लोग हैं, गली मोहल्लों में रहने वाले लोग हैं, कहीं खानाबदोश अगर हैं तो प्रशासन को और पुलिस को इसकी तुरंत सूचना दें लोग, और जिससे कि खानाबदोश लोगों को वहां से पकड़कर अब जो बाहर होम शेल्टर तैयार किए गए वहां पर उनको जाकर रखा जाए।